Does arithmetic calculations and, like addition, subtraction, multiplication, and division? So the answer is the ALU. ALU does arithmetic calculations. ALU kya hai? Arithmetic calculations perform hai like addition, subtraction, multiplication, and division. Okay. Second, the dash coordinates between all the parts of the सी पी यू द कंट्रोल सी ओ एन टी आर ओ एल कंट्रोल यू एन आई टी हमारा कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट करता है हमारे सी पी यू के सारे पार्ट्स के बीच में ठीक है हमारे सी पी यू में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है आपस में कौन कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल यूनिट क्लियर नॉ द थर्ड इज द मेमोरी ऑफ द डैश इज अ टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया सो सी पी यू हैव दरी स्टोरेज एरिया सी पी यू क्या है हमारे कंप्यूटर में द मेमोरी ऑफ द सी पी यू सीपी यू की जो हमारी मेमोरी होती है ठीक है वो कैसी होती है टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया होती है उसमें हम जो भी अपना डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है ठीक है सीपीयू की मेमोरी में कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर नहीं होता है वो कैसे स्टोर होता है टेम्परे स्टोर होता है ठीक है नाउ द नेक्स्ट इज द आउटपुट विच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ अ मॉनिटर इज कॉल्ड द सॉफ्ट एस ओ एफ टी सॉफ्ट कॉपी सी ओ पी वाई So, हमारे स्क्रीन में मॉनिटर की स्क्रीन में जो भी आउटपुट डिस्प्ले होता है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी एसओ एफ टी सॉफ्ट सी ओ पी वाई कॉपी क्लियर नाउ द लास्ट इज अ प्रिंट आउट ऑफ सॉफ्ट कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड दी हार्ड कॉपी एच ए आर डी हार्ड कॉपी सी ओ पी वाई कॉपी ऑफ द आउटपुट सो हम जो उस सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट निकालते हैं किसी भी पेपर में उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी ऑफ दी आउटपुट हमारे आउटपुट का वो क्या कहलाता है हार्ड कॉपी कहलाता है क्लियर नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट टी फॉर फॉर ट्रू एंड एफ फॉल्स हमें टी वाल, वाले ट्रू वाले स्टेटमेंट्स में टी लिखना है और फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स में एफ लिखना है ओके okay? T means true and F means false. So the first statement is the computer is a multi-purpose machine. हमारा कंप्यूटर क्या है? एक multi-purpose machine है. Yes, the statement is true. So we'll write here T. ठीक है? ये yes, statement हमारा correct है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे T. Second, the working speed of computer is very slow. तो हमारी कंप्यूटर की स्पीड बहुत स्लो होती है no, हमारी कंप्यूटर की स्पीड कैसी होती है वेरी फास्ट होती है सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स सो विल राइट हियर एफ ओके फॉल्स थर्ड सी पी यू द प्रोसेसिंग सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू सीपी यू ही हमारी सारी प्रोसेसिंग करता है ठीक है जितनी भी हमारी डेटा की प्रोसेसिंग होती है वो सब कहाँ होती है सीपीयू में ओके सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विल राइट हेअ टी फोर्थ द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज एंड मीनिंगफुल सो हम डेटा को जब प्रोसेस करते हैं तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है ठीक है तो वो इंफॉर्मेशन क्या है ऑर्गेनाइज और मीनिंगफुल होती है सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू सो वी विल राइट हेअर टी ओके लास्ट स्टोरेज इज द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी हमें रिजल्ट मिलता है प्रोसेसिंग के बाद उसे हम स्टोरेज कहते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज आफ्टर प्रोसेसिंग एनी डेटा वट एवर वी आर गेटिंग द रिजल्ट इज नोन एज आउटपुट डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है हमारा आउटपुट कहलाता है ठीक है और उन इन्फॉर्मेशन को उन डेटा को जब हम स्टोर करते हैं अपने आउटपुट के रिजल्ट को स्टोर करते हैं उसे कहाँ स्टोर करते, है? करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करते हैं क्लियर सो हेयर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स सो वी विल राइट हेयर एफ क्लियर नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच मेमोरी यूनिट सो मेमोरी यूनिट इज अटेप्री स्टोरेज मेमोरी यूनिट क्या है एक Temporary storage, output result of the process. हमारी process का जो भी result निकलता है, जो भी result आता है, उसे हम कहते हैं output. ALU, ALU does calculations. ALU क्या perform करता है? Calculations perform करता है. Control unit coordinates between all the parts of the CPU. कंट्रोल यूनिट क्या करता है कोऑर्डिनेट करता है हमारे सीपीयू के सारे पार्ट्स के बीच में ओके सो डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे सो टुडे यू हैव टू डू दीज थ्री एक्सरसाइज इन योर बुक एज वेल एज इन योर नोटबुक ओके आपको अपनी बुक में भी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और अपनी नोटबुक में भी ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है क्लियर सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फर्दर एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास Thank you.